बड़ो बहू। इतना सारा काम मेरे माथे से, अब मैं एक अकेली जान यो सब कैसे करूंगी? नो फिकर, बंदा खास है। तुम आए तो बड़ो तो हमसे घनी मेहनत करवाने की सोची थी। शुक्र है भगवान का कि लक्की जी टीम पे आ गए। उसके बाद जो बड़ो को डांट पड़ी माँ, हमने भी कुछ कम ड्रामे ना किए। हम तो बेचारे बने हुए थे कि सुबह से बस काम ही कर रहे काम ही कर रहे। शादी ब्याह में इतने काम होवे से कि अगर एक अकेला इंसान करने जावे से ना तो उसकी कमर ही टूट जावे, और सारा काम बस बेचारे बड़ो किए जा रही। मैंने समझ ही ना आया, कोई भी बड़ो का हाथ बटाने आगे ना आया, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। बहुत हो गया, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। बड़ो तेरे लिए यो किए रखे जी, खोल के देख ले। यो मेरे लिए लगे जी। हाँ बड़ो, थारे वास्ते, क्योंकि थारे ब्याह का कार्ड कभी छपाना था ना, और थारी हमेशा बचपन से ख्वाहिश थी कि थारे ब्याह का कार्ड छपे, तो इसलिए ये तेरे लिए। मैंने गहन विचार किया और ये पाया, आप मारे बड़े भाई समान हो, अनुभवी हो, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया से यो पंचायत की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लूंगा। अब सरपंच बनने से पर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती हो। अब मैं अपना नाम भी उम्मीदवारियों से खींच लूंगा पीछे। अब आप निर्विरोध होकर के ये चुनाव जीतेंगे। ना, ऐसा नहीं हो सकता। केतू अपना रोना लेके बैठ गई। मारे भाई की हालत देख, मंदिर में थोड़ी देर और इंतजार कर लेती तो आज मारे भाई की यो हालत ना होती। हार तो तूने मान ली अपनी बड़ो भाभी और उस वरदान के सामने। थारे प्यार में जरा सी भी सच्चाई होती ना तो तू इतनी जल्दी हार ना मानती, अपनी जान दे देती, पर मारे भाई को यूं अकेला ना छोड़ती। ये छुरी भी ना मारे भाई को ना मार सके, क्योंकि जो पहले से मरा हो उसे कौन मारेगा। मेरा भाई ना एक जिंदा लाश के सम्मान से। यो के बोल रही से तू? हकीकत बोल रही सू। हमारे भाई ने न जाने कितनी बार खुदकुशी करने की कोशिश की, वो तो अच्छा हुआ कि हमने उन्हें बचा लिया। अब तो सिर्फ सांस चल रही से, हनु के जैसे तो वो मर ही चुके। तू तो फिर भी जिंदा से अपने घर में कितनी खुश थे। तेरा पति तुझसे कितना प्यार करता है, तुम्हारे भाई का के उसका तो कोई ना से। के तेरे चिची ने खुदकुशी करने की कोशिश की, वो कहाँ है? हमारे कौन से मिलना से हमारे को मिला ना उनसे। बाबूजी आप ऐसे नहीं कर सकते हो। क्या मतलब थारा बड़ो? क्यों तू ऐसा क्यों बोलती? आए बड़ो, इससे क्या मतलब है थारा? तू दोनों भाइयों को चुनाव के मैदान में लड़वाना चाहती है? अरे वाह, आप सब तो अपनी अपनी बोले जा रहे से। बड़ो कुछ बोल रही से उसके पीछे कोई वजह होगी, एक बार उसकी भी सुन लीजिए। एक बस भी करो छोटो, आपकी शह पाके ना आजकल ये बहुत बोलने लग गई है, कुछ ज्यादा ही बोलती है। इसको इतना भी लिहाज ना है कि सब घर के बड़े खड़े हैं, पर कुछ भी बोल देगी। अब हमारे को अच्छी तरह पता है ये जो भी बोलेगी ना सब गलत बोलेगी। गलत ही सही भाभी, इतना सुना थोड़ा और सुनने में क्या घट जावेगा, और बातें सुनने में कोई जीएसटी टैक्स तो लगता नहीं है भाभी। बोल बड़ो क्या बोलना चाहे से? मन्ने लगता से कि बाबूजी को यो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। शुभ विवाह लक्की एवं कोमल। अरे बुआ जी, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था?
ना ना चाहिए कुछ ना था, मैं तुझे कुछ देने आई। अरे यू कैसे? मैं तन्ने साड़ी पहनाने आई हूँ। क्या साड़ी? पर इतनी अब साड़ी क्यों पहनाने आए हो? मन्ने उस संगीत के कार्यक्रम में तो बहुत दिन बाकी से। यो बता, तन्ने कभी साड़ी पहनी से? ना। जब तूने आज तक साड़ी ना पहनी से, तो फिर कैसे साड़ी पहन के डांस का मुकाबला करेगी? वो भी पिंकी से? फिर तो थारी हार पक्की से। कान खोल के सुन ले बड़ो, इब से लेके मेहंदी संगीत तक तू साड़ी में ही रहेगी, बस समझी? देख, जैसे कुश्ती में कैसे रोज अभ्यास की जरूरत हो, वैसे वैसे ही डांस का मुकाबला भी कड़ी मेहनत और जीत तोड़ अभ्यास से जीता जावे से। इब तू जाके बड़ो ते चुनाव के प्रचार के तरीके जान, और उसे अच्छी तरह समझाना है कि वो अपने ससुर तक जाते तेरे ससुर का प्रचार करे। पर वो ऐसा क्यों करेगी? भला क्यों छोड़ेगी वो अपने बाबूजी का साथ? अरे यो ही तो तने समझना है, वो अपने बाबूजी का साथ छोड़ के मारा साथ कैसे देवेगी? यो क्यों नहीं सोचती तू? अगर विरोधियों की ताकत मारी ताकत बन जाएगी तो फिर हमें जीतने तक कौन रोक सकता है? वाह माँ जी वाह, आप तो बिल्कुल चाणक्य बन गई हो। चाणक्य की भी मासूम है। इब गणी चू चू ना करे, जो काम तने दिया है ना उस पे ध्यान दे। पर हाँ, अगर बड़ो तेरे साथ ना मिली तो फिर देख लिए मेरी जुत्ती और तेरा यो सिरा होगा। ना माँ जी, मैं भी के भी जाती सुना, बड़ो और लकी जी से उनका समर्थन लेके आती सु, ठीक से? आपने सारे कामों में मेरा हाथ बटाया, छोटू बुआ की हल्दी की रस्म में आप मेरे बराबर के साथी बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लकी जी। तेरे जेठ जी इलेक्शनों में खड़े हैं, इस टाइम पे अपने परिवार की घनी जरूरत हो, है ना देवर जी? तो मैं चाहूंगी कि तू अपने जेठ जी का साथ दे। मैं चाहूँ कि तू और लकी जी चुनाव में हमारे बाबूजी का समर्थन करो। हम ताऊ जी का समर्थन करेंगे, वो भी दिल से। बड़ो और लकी जी को बाबूजी का साथ देने के लिए मना लिया से मन ने। इस जन्म में तो मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं है कि विभू 500 रुपए कमा कर मेरे हाथ में ला के रख दे। ये 100 रुपए कमा के दिखा दे तो मैं मान जाऊ। आप 100 रुपए की बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कमा के 10,000 रुपए। आज न किसी भी हालत में मुझे मेरे पागल भाइयों के लिए चादर और शॉक मशीन भेजनी है पालन खेत। मैं सामान लेके जाऊंगा आपका पालन खेत। अरे भैया बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, कैसे ले जाएंगे आप? सर पे रख के ले जाएंगे? मैं ये प्रिंसेस का मेगा एक्सेल ले लूंगा। आप जो कहेंगे हम वो सब करेंगे, बस हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए। संतोषी माँ का त्याग करना होगा तुम्हें, मंजूर है तुम्हें संतोषी माँ का त्याग करना? अगर अपने पति को पाने का यही एक शर्त तो हम छोड़ देंगे संतोषी माँ की पूजा। पूजा के बाद ना आज तेरा विदाई भी होना है, दामाद जी बोल रहे थे। आज हम आपको एक गिफ्ट देंगे। कैसे गिफ्ट पापूजी? आज बिकरल सिंह का केस खत्म होना चाहिए। हम यहाँ आने से पहले पापा के सारे काम कर दिए और बदले में उनके सारे काम ले भी आए। You are absolutely right. ये लोग हैं हमारे गन डीलर हरिओम जी के आदमी। आप देखिए दामाद बाबू, जो भी आपको पसंद आता है। विकराल सिंह! से इन्हें रोक लीजिए, इन्हें मत जाने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने जो भी तैयारियां करी है उसको एंड मोमेंट पे कैंसिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चाची अगर कुछ कह रही हैं तो इसके पीछे जरूर कुछ बात होगी। मुझे लगता है कि हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ छोटे, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। जाओ अपने कमरे में और सामान अनपैक करो। नहीं मम्मी जी,
चिराग देखो मम्मी परेशान हो रही है। बेटा आंखें खोलो। चिराग बात करो ना मुझसे, ये देखो ना मुझसे बात नहीं कर रहा। चिराग बात करो ना बेटा मुझसे। ये ऐसा नहीं हो सकता, चिराग हमको छोड़ के नहीं जा सकते। जब आप किसी के साथ रहते हो ना तो उनके साथ लगाव हो ही जाता है, लेकिन तुम्हें ही देखिए, तुम तो मेरी फैमिली के साथ रहते नहीं हो, तो तुम्हें उनसे कोई लगाव नहीं है, है ना? लगता है तुम झगड़ा करने के ना पूरे मूड में हो, लेकिन अगर झगड़ा करना ही है ना तो ददिया की बात याद रखना कि अगर झगड़ा करेंगे तो दिन दुगना रात चौगुना प्यार बढ़ेगा। आज तुम्हारा मीरा के लिए प्यार देखकर मुझे ये महसूस हुआ है कि मुझसे ज्यादा ख्याल उसका तुम रखोगे। कल सॉफ्ट म्यूजिक लगाया, रोमांटिक डांस किया, और फिर क्या हुआ मैं नहीं बताऊंगा। गोकुल के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि भगवान कंस ने गोकुल के बच्चों के लिए एक महाआरती का आयोजन किया है। गोकुल के सभी बालकों का महाआरती में आना अनिवार्य है। गोकुल के सारे बालक ऐसे ही मरेंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा। मेरा कान्हा मथुरा नहीं जाएगा। बाबा हम सबको मथुरा अवश्य जाना चाहिए। मैंने तो पूरी योजना भी बना ली है कि हमें मथुरा जाकर क्या क्या कर। क्या हो गया? क्या सास रुकी थी वो यहाँ पे? खिड़की और दरवाजे सारे बंद है, जो भी था इसी कमरे में है। फिर जी जैसा लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई है।